जेड कैटेगरी की सुरक्षा पाकर पटना लौटे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का पटना एयरपोर्ट पर उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान चिराग ने बक्सर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि ये घटना जितनी निंदनीय है उतना ही इससे सरकार का अमानवीय चेहरा भी दिखता है। उतना ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अमानवीय चेहरा दर्शाता है। आप सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से पुलिस ने, वो वीडियो सबने देखा होगा, पुलिस ने किस तरीके से घर में घुसकर किसान परिवार के लोगों को बर्बरता से पीटने का काम, ना बच्चों को बख्शा ना महिलाओं को बख्शा, और उसमें कोई उनसे पूछे कि भैया इनका कसूर क्या है। आज मुख्यमंत्री जी निकले हैं समाधान यात्रा पर, पहले बक्सर का समाधान करें ना, करें पहले किसानों का समाधान। आज अगर किसान मौजूदा सर्कल रेट पे अगर अपना मुआवजा मांगता है, जो उसका हक है, जो उसका अधिकार है, उस अधिकार से उसको वंचित किया जाता है, और अपने हक अधिकार की मांग पर जिस तरीके से उनको, उनके परिवार के सदस्यों को पीटा जाता है, और तो और रात में जब पुलिस जाती है इस तरीके की घटना को अंजाम देने, तो छोटे छोटे बच्चों तक को उठाकर लेके जाया जाता है। 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों को आप गिरफ्तार करते हैं, महिलाओं के ऊपर आप लाठी चार्ज करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जवाब देना भैया, समाधान क्या है इसका। बिहार के शिक्षा मंत्री के रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान पर चिराग पासवान ने कहा कि यह लोग भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं। जिस तरीके से हमारे छात्रों के ऊपर लाठियां चलाई जाती है वो क्या है? क्यों लोगों की आस्था को भड़काने वाले बयान बिहार के मुख्यमंत्री स्वयं और उनकी पार्टी के नेता देते रहते हैं? क्यों बंटवारे की राजनीति करने का प्रयास करते हैं? क्यों बिहार में माहौल को खराब करने का ये लोग प्रयास करते हैं? भाई, इस तरीके के बयान से परहेज करना चाहिए, जो लोगों की आस्था से जुड़ा हो, जो लोगों की आस्था से जुड़ा हो उससे परहेज करते हुए, जो सही मायनों में जो ज्वलंत विषय है उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होनी चाहिए बक्सर के किसानों को लेकर, पूरे बिहार के किसानों को लेकर, पर किस तरीके से बक्सर में किसानों की पिटाई की गई, किस तरीके से उनकी परिवार की महिला, छोटे छोटे बच्चों को पीटा गया, उसका समाधान मंत्री को इस्तीफा देना। इस तरीके के बयान देंगे तो इस्तीफा नहीं भी देंगे तो अगली बार जनता उनको हटा देगी। चिराग ने उनको मिली जेड कैटेगरी की सुरक्षा के मसले पर कहा कि ये व्यक्तिगत मसला है। उन्होंने इसे ये कहकर टाल दिया कि बिहार की जनता से जुड़े हुए सवालों का जवाब देने के लिए जनप्रतिनिधि होता है, ना कि व्यक्तिगत। मेरी सुरक्षा मेरा मंत्री पद, इससे बिहार की जनता का कोई लेना देना नहीं है। इन तरीके के सवालों का कोई मायने नहीं है। किसको सुरक्षा मिल रही है, किसको सुरक्षा नहीं मिल रही है, बिहार और बिहारियों की जनता, बिहार की जनता से जुड़े हुए सवालों का जवाब देने के लिए एक जनप्रतिनिधि होता है, ना कि व्यक्तिगत। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क।